2000 रुपए के नोट को बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। 2000 रुपए के नोट अब बैंकों में अपने खातों में जमा कराया जा सकेगा या बैंकों में बदला जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म या मांग पर्ची की जरूरत नहीं है, न ही कोई पहचान दिखाने की जरूरत है। एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तय की गई है, यानी कि 2000 के 10 नोट बदले जा सकेंगे। नोट बदलने के लिए कोई कितनी भी बार कतार में खड़ा हो सकता है। ग्राहकों के लिए किसी तरह की नोट सीमा नहीं है। 50,000 या उससे अधिक की राशि के नोट खाते में जमा करने पर आयकर से संबंधित पैन कार्ड के जो शर्त हैं वो लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। इसके लिए नोटों को बदलने या जमा कराने के लिए 30 सितंबर 2023 की समय सीमा तय की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि नोट बदलवाने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा इसलिए तय की गई है कि लोग इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें। हालांकि किसी भी तरह की हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। हमारे सिस्टम में पर्याप्त मात्रा में करेंसी नोट हैं। हालात को देखकर समय सीमा की समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अवधि तक नोट वापस आ जाएंगे। 2016 में नोटबंदी के समय 1000 और 500 के नोट बंद करते समय भरपाई के लिए 2000 के नोट जारी किए गए थे। यह करेंसी प्रबंधन का हिस्सा था। इसका मकसद पूरा हो गया है, इसलिए इनको वापस लिया जा रहा है। कुल करेंसी में 2000 के जो नोट हैं वो 10.8% ही रह गए थे। JTN न्यूज़ ब्यूरो, नई दिल्ली।